भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने स्थित डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश कार्यालय प्रांगण में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करके जयघोष किया था कि देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। आज उनके बताए मार्ग पर भाजपा काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं। राज्य सरकार भी उनके विचारों को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि देश भर के भाजपा के सभी कार्यकर्ता उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का जो संकल्प दिया था, संकल्प को मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहे हैं।